हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसएम दुनिया में। हमारे क्लाइंट के पास है एक वीवो का S1 आज है, तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि ये वीवो का S1 फ़ोन है और इसे हमें अनलॉक कराना है। देख सकते हैं ये वीवो का S1 फ़ोन है। इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे इनका फ़ोटो दिया वीवो S1 का और बोला कि इनको अनलॉक कराना है। तो उसके लिए उनके पास एक कंप्यूटर है, उनके पास और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर के बाद और कुछ नहीं है तो वो कैसे अनलॉक करेंगे, क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वो हमें व्हाट्सएप इसलिए किए हैं क्योंकि मेरे पास उसका डोंगल है, बॉक्स है, सॉफ्टवेयर है, तो हम उनके कंप्यूटर पे अपना डोंगल बॉक्स शेयर कर सकें और उसके बाद उनके कंप्यूटर को हम उनके कंप्यूटर से ही उनका फ़ोन अनलॉक कर सके, ठीक है। तो हम क्या किए ना, उनको टीम व्यूअर एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोला। वो गूगल से डाउनलोड करके टीम व्यूअर और उन्होंने टीम व्यूअर का आईडी पासवर्ड मुझसे शेयर किया। उससे रिमोट कंट्रोल होता है, ठीक है। तो रिमोट कंट्रोल होने के बाद मैंने उनके पीसी पे गया और उनके पीसी पे आप कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, ठीक है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसके बाद इस फ़ोन को अनलॉक करेंगे, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा वीडियो तेज़ से आगे बढ़ाते हैं और आप देखिए क्या क्या मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड होने के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा कट कर दिया है तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो हमें जो जो एप्लीकेशन की ज़रूरत थी इनके कंप्यूटर में, वो सारी एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है। अब हमने इनके कंप्यूटर पे अपना डोंगल भी शेयर कर दिया जो कि UMT डोंगल है और उसी डोंगल के माध्यम से ये फ़ोन अनलॉकिंग होगा। तो चलिए हम उस डोंगल उस सेटअप को ऑन कर लेते हैं, UMT का MTK सेटअप को, और ऑन होने के बाद हम उन्हें बोलेंगे फ़ोन को कनेक्ट करने को, ओके। तो वेट कीजिए, हम टूल ओपन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं टूल ओपन हो गया। अब हमें राइट साइड में टूल एंड FRP पर क्लिक करना है। ब्रांड में हमें वीवो को सिलेक्ट करना है और मॉडल में हमें वीवो का Y93 सिलेक्ट करना है, क्योंकि वीवो का Y93 और वीवो S1 दोनों का CPU सेम है और इसमें वीवो का S1 मॉडल हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देता। तो हमने वीवो का Y93 ही सेलेक्ट कर दिया, ओके। कोई दिक्कत नहीं है वीवो का Y93। देखिए उन्होंने हमें कहने से पहले ही फ़ोन को कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट हो जाने के बाद उनको वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा के कनेक्ट करना था, उन्होंने कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने के बाद बटन को छोड़ दिए हैं और USB को लगा रहने दिए हैं, ठीक है। तो USB को लगा रहने देना है कनेक्ट करने के बाद। अब हमें डिवाइस मैनेजर में एक और दूसरा ड्राइवर दिखाई देगा जो MediaTek का प्रीलोडर डिवाइस ड्राइवर होगा, VCOM ड्राइवर उसको कहते हैं एंड्रॉयड में। तो वो ड्राइवर शो होने के बाद हमें फैक्ट्री रीसेट टू मेटा पे क्लिक करना है, ओके। तो हम उस पर क्लिक कर दिए हैं, देख सकते हैं फ़ोन कनेक्ट करने के कुछ देर के बाद यही ड्राइवर बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रीसेट सक्सेस हो चुका है। तो हम उनको यहाँ पे संदेश दे देते हैं टाइप करके, डन ब्रो, ठीक है, रीबूट फ़ोन, ओके। तो फ़ोन एक्चुअली बिल्कुल रीसेट हो चुका है, ओके। यहाँ पे रीसेट सक्सेस भी हो चुका है, CPU नंबर सारे कॉन्फ़िगरेशन बता चुके हैं और फ़ोन रीसेट हो चुका है। और फ़ोन रीसेट होने के बाद उन्होंने डाटा केबल को निकालेंगे और फ़ोन को ऑन करेंगे और उनके PC पे हम अपना QR कोड दे देते हैं जो कि हमें उनसे पेमेंट लेना है। तो ये सर्विस जो है ना, ये सर्विस फ्री नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि फ्री है और बहुत लोगों को तो ये भी लगता है कि बिना कंप्यूटर का भी अनलॉक हो जाएगा, कोई ऐसा नंबर होगा जो डाल करेंगे और खुल जाएगा। तो भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप हमें कृपया करके मैसेज ना करें। आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो ही हमें मैसेज करें, क्योंकि उसी के माध्यम से यह फ़ोन किसी भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, या फ़ोन नहीं किसी भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय द वे, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सअप का लिंक भी मिल जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा।